हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में होने वाले 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 23 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आरएलपी ने भी प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू कर दी है। भाजपा ने तीनों सीटों पर 4-4 नाम का पैनल तैयार कर लिया है। इस पैनल के हिसाब से छाड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट और राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी और सुजानगढ़ सीट से संतोष मेघवाल का नाम प्रमुख माना जा रहा है। हालांकि यह फाइनल निर्णय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में भी तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। सुजानगढ़ व छाड़ा से दिवंगत विधायकों के परिवार में से ही किसी को टिकट दिया जा सकता है। सुजानगढ़ से मास्टर भवनलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल का टिकट फाइनल माना जा रहा है, तो छाड़ा से कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी या फिर उनके भाई राजेंद्र त्रिवेदी में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजसमंद से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पहले तनसुख बोरा का नाम फाइनल माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल कह नहीं सकते। आरएलपी से साड़ा विधानसभा से पहला खटाना का टिकट फाइनल माना जा रहा है और खटाना चुनाव प्रचार में भी लग गए हैं। वहीं आरएलपी से सुजानगढ़ सीट से किसी मेघवाल समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल माना जा रहा है, तो राजसमंद से राजपूत या कुमावत को प्रत्याशी बनाया जा सकता है।